जगन्नाथपुरी के बाद देश की सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद की है और इस महीने एक इनपुट भी आया था, टेरल इंटेल भी आया था। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हमने डिप्लॉय की है और क्या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस बार रथ यात्रा की सुरक्षा में? आप जानते हैं कि 1 जुलाई का रोज ये रथ यात्रा गुजरात राज्य के कुल 180 रथ यात्राएँ जो हैं वो निकलेंगी और उसमें से सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद शहर की है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। उसके बाद भावनगर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं और 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाली कुल 16 रथ यात्राएँ हैं जो शहरों में, अलग अलग शहरों में निकलती हैं। आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना के कारण रथ यात्रा नहीं निकली थी क्योंकि लॉकडाउन था। 2021 में कुल 59 जगह पर रथ यात्रा ट्रंकेटेड रूट के ऊपर कम समय में पूरी की गई थी। तो इस बार जो है ये अहमदाबाद शहर की 145वीं रथ यात्रा है। आप जानते हैं कि रथ यात्रा अहमदाबाद शहर में 1878 से निकल रही है। इसमें 19 किलोमीटर का लंबा रूट होता है और सुबह 7 बजे शुरू होती है और शाम को 8, 8:30 बजे ये यात्रा पूरी होती है। इसमें 3 रथ, 101 ट्रक, 19 हाथी, 30 अखाड़ा, 20 भजन मंडली इसमें भाग लेती है। इसमें दूसरा नंबर भावनगर का है जिसमें जो 37वीं रथ यात्रा है जो 17 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा होगी। इसमें दूसरे खाताओं का भी सहकार लिया जाता है, RTO है, ST है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, PWD है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, एनिमल हस्बेंड्री है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री जाहिरनामा बार पाड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सेवा मिलती है। तो इस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो दिया जाता है। इस बार CCTV का महत्तम उपयोग किया जाएगा, ड्रोन कैमरा का उपयोग किया जाएगा, बॉडी वॉर्न कैमरा का भी उपयोग किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखी जाएगी। हमारे जो साइबर क्राइम के जो पुलिस स्टेशन हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसमें पुलिस, होमगार्ड, GRD, SRP, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग किया जाएगा। कुल 25 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हमें मिली हैं इस बार, जिसमें से 22 कंपनियां हमने अहमदाबाद शहर को दी हैं। तो इस तरह से अहमदाबाद शहर में कुल 4 IG कक्षा के अधिक